आज जब मैं अपने पहाड़ वापस आया, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सुकून का समय बिताया। याद है वो दिन जब हम फूल देई छम्मा देई करते लोगों के घर घर जाते और वो आग के चारों ओर कैसे घूम घूम के होली गाते। खो गए हैं वो दिन, खो रहे हैं वो त्योहार, जब से हमारे सर में शहरों का शोर हुआ है सवार। आज जब मैं अपने पहाड़ वापस आया, सुकून से बढ़कर और कुछ नहीं होता, ये मुझे अपने पहाड़ अल्मोड़ा ने सिखाया। सो गाइस, ये है मेरा अल्मोड़ा। हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और मैं एक सिंपल सा बंदा आपके तरह जॉब के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। और आज मैं हल्द्वानी में हूँ। अभी फिलहाल हल्द्वानी से मैं जा रहा हूँ अल्मोड़ा, जो कि 3-4 घंटे का रास्ता है, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर। वहाँ पे आज हम लोग अल्मोड़ा में ऑफबीट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करेंगे, होम स्टेज एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे कहाँ कहाँ रहना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। और जो अल्मोड़ा है वो अपने कल्चर के लिए और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए और हिमालयाज व्यूज़ के लिए काफ़ी फेमस है। तो गई रास्ते में नीम करौली बाबा के दर्शन करने गया था, तो दर्शन वर्शन करके आ गया हूँ मंदिर में। मास्क वगैरह पहनना जरूरी है। काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शन हो गए, काफ़ी मज़ा आया। और मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पे बीच में कहीं पर रुकूंगा खाना वाना खाने के लिए, कुछ देखने कुछ स्नैक्स वगैरह। और अभी लेट भी काफ़ी हो गया, तो फटाफट चलते हैं। तो बस मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे चल रहे हैं, सफ़र का आनंद ले रहे हैं। सो गाइस, 2 घंटे की ड्राइव के बाद मैं अल्मोड़ा सिटी क्रॉस करके कसारदेवी वाली रोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो ये रोड है सीधे कसारदेवी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे एक अमेजिंग व्यू दिख रहा था अल्मोड़ा सिटी का, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो। ये अगर शाम को अगर आप आओगे यहाँ पे, तो पूरे पहाड़ में लाइट जलती काफ़ी अमेजिंग लगता है। तो यहाँ से तकरीबन 20-30 मिनट की राइड के बाद मैं पहुँच जाऊँगा अपने होम स्टे पे, जहाँ पे मैं आज रुकने वाला हूँ। और फिलहाल यहाँ पे रुकने का मकसद एक ये भी था, क्योंकि हम जब बचपन में आते थे यहाँ पे कसारदेवी घूमने के लिए, तो इन्हीं मोड़ों पे बैठ के कभी कभी समय बिताया करते थे दोस्तों के साथ छाओं में। अब तो ये पेड़ भी गायब हो गए हैं एकदम, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। बट काफ़ी अच्छा लगा, एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है इतने सालों बाद यहाँ पर आने के बाद। और यू नो, एक पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो आप जब भी आते हो तो आप धीरे धीरे आओ, राइड एंजॉय करते हुए, जगह जगह रुकते हुए, व्यूज का आनंद लेते हुए, जैसे कि हमें। सो गाइस, अल्मोड़ा से अप्रॉक्स 20 मिनट की राइड के बाद मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे आज मैं रुकने वाला हूँ। इस गांव का नाम है सिरकोट और जिस होम स्टे में मैं रुकने वाला हूँ उसका नाम है जैन ओक होम स्टे। तो लेट्स सी कैसा है होम स्टे। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे रोड में मैंने गाड़ी लगा ली है, तो मनोज भाई मुझे लेने आने वाले हैं, पता नहीं उनका घर ऊपर ही है साइड कहीं। तो लेट्स सी कितना है यहाँ से, रोड से कितना ऊपर जाना पड़ता है होम स्टे में जाने के लिए। सो बेसिकली ये मनोज भाई हैं, इन्हीं का होम स्टे है, ओनर हैं, तो इन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और थैंक यू हिमांशु फॉर कमिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे आज देखते हैं कितना इनका स्पेशल है, जो मैं बता रहा था आपको, अलग ही अलग एक्सपीरियंस आपको लोगों को देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ में और भी जो डिटेल्स चाहिए होंगी आपको, कैसे बुकिंग करानी है, कैसे पहुँचना, वो भी आपको आगे पता लगने वाला है। तो वीडियो में बने रहें। थैंक यू। ये पार्किंग बना रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्किंग इधर से अंदर हफ्ते में भी कम्प्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने अभी नया नहीं स्टार्ट किया ना, ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है, 1.5 साल के आसपास हुआ है। सो गाइस, इस तरह से इसकी एंट्री है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये तो मुझे। सो गाइस, जो ये मेन रोड है इसे थोड़ा सा ऊपर चल के रिजॉर्ट है, और ज़्यादा है नहीं कुछ, थोड़ा सा ये इतना चढ़ाई भी नहीं है, ठीक ठाक है। और साथ ही साथ में ये मनोज भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग अभी पार्किंग का अपना पर्सनल स्पेस बनाने वाले हैं, तो अगर आप लोग अपनी गाड़ी से लेकर आते हो, गाड़ी लेकर आते हो, तो वो भी आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज का एजेंडा अभी इसके बाद ये है कि अभी मैं थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लेता हूँ, कुछ पेट पूजा कर लेता हूँ, बिकॉज सुबह से कुछ खाया नहीं है यार, पराठे खा के निकला था। उसके बाद फिर शाम को मनोज भाई बता रहे हैं यहाँ पे आज प्री होली होती है शिव मंदिर में, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है, तो आज वहाँ जाएंगे। देखते हैं आपको यहाँ का कल्चर कैसा लगेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मुझे पता लगी यहाँ पे,
इनका एक पर्सनल फिश पॉट भी है यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे अभी फिलहाल ठंड की वजह से इसको अभी इसमें फिश वगैरह नहीं रखी हुई है। ये बता रहे हैं जैसी गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो लोग फिश डाल देते हैं, अभी कुछ नेक्स्ट वीक से डाल देंगे। और अब यहीं से फ्रेश फिश आपको खाने को मिलेगी निकाल के। और ये है फर्स्ट व्यू, वाह ये तो होम स्टे कम रिजॉर्ट ज़्यादा लग रहा है, बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है यार आपने, मज़ा आ गया। प्लास्टिक व्लास्टिक भी आप देख रहे हो ना कि लोग प्लास्टिक व्लास्टिक तो नहीं ला रहे थे। हाँ ये तो ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता है मैं हमेशा हर वीडियो में ये बोलता हूँ आपको, जब भी आप माउंटेन्स क्या कहीं भी जा रहे हो ना तो ये प्लास्टिक व्लास्टिक ना मत लेके जाओ, बोतल भी प्लास्टिक की मत लेके जाओ। अगर ले भी जा रहे हो इमरजेंसी में तो उसे वापस रखो अपने बैग में और वापस घर लेके जाओ, या फिर डस्टबिन में प्रॉपरली डस्ट कर दो। तो गाइस अपना कमरा देख के ना मुझे बिल्कुल एकदम प्रॉपर वाइब्स आ रही हैं, और मैं सबसे बेस्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ना यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस है। अगर आपको कुछ बुक रीडिंग करनी है, कुछ भी करना है ना, बेस्ट प्लेस है यार मेरे हिसाब से। तो चलिए मैं आपको अपने कमरे का टूर दे देता हूँ। सो बेसिकली मैं आज रुकने वाला हूँ इस वाले में, मैं हॉस्टल टाइप का सिस्टम है पूरा, बेडिंग वेडिंग दी हुई है, डॉर्मेट्री वाला सिस्टम है। तो एक तो ये है इनका, इसमें आपको बहुत चीप पड़ने वाला है अगर आप बैकपैकर हो, और दूसरा इनका यह है कि यहाँ पे इन्होंने अगर आपको उसमें सोने की आदत नहीं है तो यहाँ पे बेडिंग सिस्टम भी दे रखा है। अगर आपका पूरा बड़ा ग्रुप है और यू नो मतलब अगर आप चाहते हो कि बेड में आराम कर लूँ तो ये मुझे अच्छा ऑप्शन दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। और थोड़ा बहुत इन्होंने ना थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम भी कर रहे हैं, बढ़िया करके रूम सजा रखा है, ये काफ़ी अच्छा लगा, माहौल बना के रखा है मतलब। अरे वाह चलता है जाड़ों के, हाँ अरे वाह, तो मतलब ये हीटर का जुगाड़ कर रखा है, नेचुरल हीटर का यहाँ पे, तो अगर आप बर्फ़ के टाइम में आ रहे हो इसमें एंजॉय करने के लिए तो आपको ठंड भी नहीं लगने वाली है। सही सही। और थर्ड एक और इनका एक और मुझे जो सही लगा, अगर आप कपल हो या फिर हाँ वाईफाई, अरे वाह वाईफाई इसमें बढ़िया यार, आप मतलब कोई भी आएगा तो उसे वाईफाई मिलेगा ही मिलेगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ 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 अरे बहुत ही, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ऊपर देखो इसमें वो भी है यार वेंटिलेशन के लिए, अच्छा तो मून लाइट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, सही बोल रहे हो आप। यहीं से लेटे लेटे देख लो है भाई साहब, सही। और मतलब ये देखो यार डिजाइन आर्किटेक्चर देखो, मतलब प्रॉपर मेहनत करी हुई है, ऐसी बात नहीं है। ये गोबर से बनाया हुआ है क्या ये? हाँ, वॉल्स जो हमारे सफेद रंग की पूरी गोबर की है। अरे बहुत बढ़िया, मड हाउस है प्रॉपर है, इको फ्रेंडली हाउस है पूरा, मजा आ गया यार मनोज भाई। बारिश आती है तो अंदर आओगे तो ठंडा लगेगा। अच्छा, और नहाने वाने के लिए गर्म पानी अवेलेबल रहता है? अच्छा, 4 दिन में गीजर लग जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब गर्म पानी की व्यवस्था है। सो गाइस ये जो जितने भी रूम मैंने आपको दिखाए और ये जो प्लेस है मुझे तो काफी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ इनका अगर आप प्राइस की बात करें तो मुझे काफी इकोनॉमिक लगा, लाइक 400-500 पर पर्सन है डॉर्मेट्री का, और 500-600 ये बेड वाले का है, और 1000 रुपीज पर्सनल वाले का है, मतलब पर डे के हिसाब से और क्या चाहिए, बल्कि इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है और वाईफाई भी है यार, मतलब इससे अच्छा हो गया सकता है। और इन्वायरमेंट देखो आप, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है और इतनी अच्छी अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पे, तो मैं तो एक रिकमेंड करूँगा अगर आप इधर साइड आ रहे हो कसार देवी की साइड तो यहाँ ज़रूर आना एक बार और इन्जॉय ज़रूर करना यहाँ पर आके। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ और उसके बाद थोड़ा पेट पूजा करता हूँ, चाय वाई पीता हूँ, कुछ पकौड़े वकौड़े कुछ भाई ने व्यवस्था करी है मनोज भाई ने, तो करते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे शिव मंदिर होली देखने के लिए जो मैंने आपको बताया था, बहुत बढ़िया। सो गाइस ये यहाँ पे एक छोटा सा बैठने का एरिया है और साथ ही साथ में इनका किचन बड़ा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देसी किचन है पूरा पूरा फुल एकदम गांव वाली स्टाइल में ना जो विलेज में होता है, प्रॉपर ऑर्गेनिक वे में खाना बनता है, सही लगा मुझे तो काफ़ी यार, मतलब एक वाइब्स है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। तो मनोज भाई क्या बना रहे हो फिर हमारे लिए आप? आपके लिए चाय बना दे फिलहाल और मसाले वाली मैगी बना दे, जो पहाड़ी मैगी हमारी मिलती है। हाँ हाँ, वो वाली मैगी। अरे वाह। सो गाइस मैगी वगैरह खा के अभी हम जा रहे हैं उस मंदिर पे जहाँ मैंने बताया था आपको कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे होली के बारे में डिसाइड करते हैं, होली वगैरह गाते हैं, बैठी होली होती है और डिसाइड करते हैं कि होली का होली किस तरह से मनाई जाएगी विलेज में और कहाँ कहाँ जाना है, पूरा प्लान आउट करते हैं वहाँ पे। तो अभी हम वहाँ जाके देखेंगे क्या है कल्चर होली का उत्तराखंड का, वो सब चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है क्योंकि पहाड़ों में जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, तो वहाँ तक जाने के लिए मंदिर में होम स्टे से थोड़ा सा रोड से रास्ता है तो थोड़ा गाड़ी लेके जाएंगे और वहाँ से थोड़ा सा पैदल है, तो वहाँ शिव मंदिर है, वहाँ पर जाके आपको मैं सीधे वहीं मिलता हूँ।
मनोज जी आ रहे हैं हमारे साथ, बीज जी, तो ये हमारे आज के लिए गाइड हैं क्योंकि हमने देखा नहीं है बिनसर, तो आज ये लेके जाएंगे हमें जीरो पॉइंट तक। सो गाइस ये बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान किया था किसी जमाने में,